हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज आपको नई रेसिपी दिख रही है और दिखने में भी बहुत अच्छी दिख रही है। दिखने में नहीं अच्छी दिख रही है, खाने में भी बहुत अच्छी है और हेल्दी भी है। अक्सर मैं हेल्दी रेसिपी के साथ आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग अपने घर पे ट्राई करते हो नहीं करते हो, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, एक बात जरूर कहूंगी, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ऐसी मैं हमेशा हेल्दी रेसिपी आप सबके लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में और यहाँ पर मैं ली हूँ जौ का आटा। तो आज जो रेसिपी बनने वाली है ना, इतनी अच्छी वाली, वो बनाई हूँ मैं जौ के आटे से। जौ ही नहीं है, इसमें और भी आटा हमें डाला हुआ है। हम जौ का आटा पहले के रखा हुआ है बरसात का मौसम में, इसलिए हम इसे छन्नी में डाल करके छान लिए हैं। साथ में आधा कटोरी जौ के साथ आधा कटोरी गेहूं का आटा हम ऐड कर रहे हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और मिक्स करने के बाद हम इसका सॉफ्ट सा बढ़िया सा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब सॉफ्ट नहीं, ना ज़्यादा सॉफ्ट करना है और ना ही ज़्यादा हार्ड करना है, हम इसका डो लगाएंगे। और अब यहाँ देख रहे हैं कि पानी जो लिए है ना, वो थोड़ा सा रंग बिरंगा आपको दिख रहा होगा। जो पानी है वो चिली कटर में हमने चिली, अदरक लहसुन और मिर्ची को कट किया था, तो उसमें से जो फंसा रहता है ना, पुराने वाले चिली कटर जो हैंड से घुमा कर काटने वाला होता है, उसमें से हमने पानी डाल करके और उससे सारा जो अदरक लहसुन मिर्ची का जो पेस्ट चिपका हुआ था वो सब हम यहाँ पर निकाल लिए हैं। और उसी से हम यहाँ पे आटा लगा रहे हैं, जिससे हमारा आटा और थोड़ा सा, मतलब फ्लेवर उसमें भी आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा हम मक्के का आटा। तो ठीक आधा कटोरी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे मक्के का आटा भी ऐड करेंगे। टोटल मिलाकर के यहाँ पे 1.5 कटोरी आटा है और ये 2 लोगों के लिए बन करके तैयार होगा। आप ब्रेकफास्ट में इंजॉय करना चाहेंगे तो आपको ये जो है ना, 3 लोग इंजॉय कर सकते हैं बड़े अच्छे से। और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अंधेरा हो गया था क्योंकि लाइट कट गई थी, बहुत ज्यादा लाइट कट रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बढ़िया सा क्या करेंगे कि एक हार्ड सा, मतलब बाटी वाला जो आटा लगता है कढ़ी वाला, वो वाला हम यहाँ पे डो तैयार कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमने पानी डाल करके सारे आटे को, मतलब हमने समेट लिया है, बहुत ज्यादा हमें आटा को गीला नहीं किया है। और दूसरी बात, मक्के का आटा आप ऐड करते हैं ना तो ऑलरेडी ये थोड़ा सा हार्ड हो ही जाता है। इससे मैं निश्चिंत हो गई हूँ और इसीलिए मतलब कि मैं थोड़ा सा पानी जो है ना, अच्छे से थोड़ा सा मैंने इसे किया है, क्योंकि अभी हम बेलेंगे ना तो आपको दिखेगा कितना बढ़िया ये सॉफ्ट बन करके, मतलब अच्छे से बेला भी जाएगा और बन करके तैयार हो जाएगा। आटा हमारा गूंद गया है और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिए थे। ठीक है, इस बीच में बाकी सारी सारा कुछ भी हम अपनी सब्जियों की भी तैयारी कर रहे थे इस रेसिपी को बनाने के लिए। अब 10 मिनट बाद क्या करेंगे, सबसे पहला काम सब्जी है तो बाद में जरूरत है ना, तो उससे पहले क्या करेंगे कि हम इसकी एक रोटी बना लेंगे, मतलब कई टुकड़ों में हम इसे काट लेंगे, जिससे कि एक बड़ी सी और पतली सी रोटी तैयार करनी है। बहुत ज्यादा इसे मोटा नहीं रखिएगा, पतली रोटी बनाएंगे उतना ही आपका जो है बढ़िया ये रेसिपी बन करके तैयार होगा। क्योंकि एक-एक लेयर में क्या होगा ना कि इसके अंदर जो है मसाला फ्लेवर इनहेंस होगा, फ्लेवर एब्जॉर्ब करेगा तो ये पूरा जो है हमारा रेसिपी। हम इसे यहाँ पे पतला, जितना हो सके आप उतना पतला बेलें, रोटी की तरह पतली रोटी जो बनती है ना, ठीक वैसे बेल लें। मोटी रोटी तो खाने में भी अच्छी नहीं लगती है, तो फिर ये इस रेसिपी की तो बात ही अलग है। हमने यहाँ पे रोटी बेल लिया। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ये देखिए, एक ले लिए हैं स्टिक, जो स्टील वाला स्ट्रॉ आता है ना, ये वो है। हम क्या करेंगे कि स्ट्रॉ से धीरे धीरे करके हाफ फोल्ड कर लेंगे। एक चपाती में, एक रोटी में हम 2 रोल बना करके तैयार करेंगे। इस तरह से आप चाहेंगे तो पतला लंबे में बेल करके सिंगल सिंगल रोल भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको आसानी से बताया है कि आप एक बार में 2 रोल भी तैयार कर सकते हैं और जल्दी जल्दी अपना बना करके तैयार कर सकते हैं, टाइम कम लगेगा। तो जो बेलने का भी जो टाइम है ना, उसमें दो दो एक जिक की जगह दो दो बेल आ जाएगा, दो दो रोल तैयार होगा एक साथ में। तो इस तरह से हम रोल बना करके तैयार कर लेंगे। और हाँ, इस रोल की जगह हमने स्ट्रॉ स्टील वाला इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कोई पेंसिल हो, पेन हो, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में बच्चों की पेंसिल, पेन, पेन तो हमारे पास भी होता है, तो आप उससे भी तैयार करके, मतलब तैयार कर लेंगे। और इसको बॉयल में तो डाला नहीं है, पेंसिल हो या पेन हो वो आखिर लास्ट में निकल ही जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम एक तरफ पानी रख दिए हैं और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ठीक है,
हल्का सा, जब जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा ना, जैसे पास्ता बॉयल करते हैं, तो ठीक हमें उसी तरह यहाँ भी बॉयल करना है। जब तक पानी में उबाल आ रहा है तब तक क्या करेंगे हम, कुछ अपनी सब्जियों की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज का हमने प्याज लिया है और प्याज को हम फाइन चॉप कर रहे हैं। जी हाँ, ये होममेड एक तरह का पास्ता ही हम बनाने जा रहे हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं, और ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी और यमी पास्ता, होममेड पास्ता बन के तैयार हुआ था। तो अब क्या करेंगे कि हम सारे स्टिक को, सारे रोल को, जब पानी उबलने लगेगा तो इसमें एक एक करके हम सारे को एडजस्ट कर लेंगे। और एक बार में आप डाल दीजिएगा, पानी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग, और मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको लगेगा कि ये जो है ना चिपक जाएगा या फिर जगह कम पड़ रहा है तो थोड़ा पानी बढ़ा दीजिए, ये चिपकेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और खूब अच्छे से उबल करके मतलब बॉयल हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या किए हैं कि टमाटर भी हमारा कट गया है, सॉरी प्याज तो कट ही गया है, टमाटर भी हमने काट लिया, और पास्ता में जितनी सब्जी आप चाहें, जितना मन कहें हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। जितनी फ्रीज में हो और जो पास्ता में ऐड की जाती है उन सारी सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। सो प्याज हमने लिया है, टमाटर लिया है और शिमला मिर्च लिया है। सो अभी हमारे पास इतनी ही सब्जी है तो हम इतनी ही सब्जियों को ऐड करेंगे। गाजर हमारे पास था पर वो हम सुबह ख़त्म कर दिए क्योंकि सूख रहा था, और अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट भी मतलब फाइन चॉप, जो चॉप होता है ना अच्छे से, उसको हम यहाँ पे आपको दिखा दिए कि एक छोटे से बाउल में हमने लिया हुआ है। अब हमारे जो ये रोल्स हैं ये बॉयल हो चुके हैं, तो इस पलटे से निकालने में दिक्कत हो रहा था, तो हमने क्या किया कि ये चिमटा जो आता है ना, पता नहीं इसका नाम क्या है, कुछ बड़ा अच्छा नाम होता है, मुझे अभी नहीं पता है। सो इसकी हेल्प से हम ये सारे अपने रोल्स को निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो स्टार्च है रोल्स का, इसे हमें फेंकना नहीं है, पहले एक बड़े बोल में भर के रख लेंगे क्योंकि हमें इसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद सब्जी काट लिए थे तो हमने इसे 10 मिनट वेट कर लिया जिससे ये ठंडा हो जाए, और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में सारे रोल्स को कट कर लेंगे। तो ये पास्ते की तरह लग रहा है ना, पास्ता की तरह क्या, ये सोया चाप की तरह भी समझ में आ रहा है। सोया चाप भी आप इसी तरह से बना करके तैयार कर सकते हैं, उसकी भी रेसिपी हम ले करके आएंगे। बहुत दिनों से मन है खुद भी सोया चाप इंजॉय करने का, तभी नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास अवेलेबल पर नहीं कर पा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं अभी इधर उधर आने जाने में, ये सब थोड़ी सी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं। सो अब कढ़ाई में हमने तेल डाला, और तेल के बाद हमने अदरक लहसुन मिर्ची जो फाइन चॉप करके रखे थे वो डाले, उसके बाद हमने प्याज डाला, प्याज जो है ट्रांसलूसेंट जैसे ही हो गया हमने इसमें डाला टमाटर, और टमाटर के साथ ही हम ऐड कर देंगे नमक। नमक टमाटर के साथ इसलिए ऐड करेंगे टमाटर जो है हमारा अच्छे से जल्दी से गल जाए, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम कुछ देर के लिए इसे ढक देंगे, बस इतना देर के लिए ढकना है जिससे कि टमाटर जो है ना गल जाए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं टमाटर हमारे यहाँ पे पक चुका है, तो हम इसे करछी से थोड़ा कचर कचर के मसल लेंगे, और मसलने के बाद ऐड करेंगे अपना शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ऐड जरूर कीजिएगा, शिमला मिर्च ऐड करने से ना इस तरह की रेसिपीज का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़ा सा स्टार्च वाला पानी ऐड करेंगे, और एक पैकेट स्मिथ एंड जोन्स का पास्ता मसाला हमने यहाँ पे ऐड किया है, इसे ऐड करने से हमारा पास्ता का टेस्ट जो है ना ओरिजिनल पास्ते की तरह आएगा। कलर थोड़ा सा डल लग रहा था तो मैंने यहाँ पे हल्दी भी ऐड कर दिया है, और अब क्या करेंगे हम इसे पका लेंगे अच्छे से। अब जैसे ही ये पक जाएगा ना तो हमारा रेसिपी बनने में देर नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया कि इसको ढक करके पका लिए, और ढक के पकाने से इसमें जल्दी से उबाल भी आ गया और ये पकने भी लगा। पानी को पूरा सुखाना नहीं है क्योंकि टमाटर प्याज हमारे अच्छे से भून चुके हैं, पक चुके हैं, तो जो हमने स्टार्च डाला था ना, स्टार्च वाला पानी, उसे हम सुखाएंगे नहीं, उसे गीला रहेगा, तभी हम अपना पास्ता, ये होममेड पास्ता ऐड करेंगे और अच्छे से इसे चारों तरफ मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी देर से अभी पकाएंगे जिससे कि हमारा जो है ना पास्ता की एक एक लेयर में जो है ना फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए, हमें मतलब ऐसे ही उठा खाएं तो अच्छा लगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे पिज्जा हब जो आता है ना, पिज्जा सिरनी, उसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक चम्मच के अकॉर्डिंग, मतलब एक टीस्पून के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, तभी तो पास्ता का फ्लेवर आएगा।
तो इसलिए हम इसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप चाहें तो इस तरह से ड्राई करके भी इसे इंजॉय कर सकते हैं, मतलब बहुत लोग ड्राई पास्ता भी इंजॉय करते हैं, तो आप भी ड्राई ड्राई पास्ता जो है ना इंजॉय कर सकते हैं, पर मेरे यहाँ थोड़ा सा इसे जूसी पसंद है, तो इसलिए थोड़ा सा स्टार्च जो बचा था वो भी हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, और थोड़ी देर के लिए हम इसे और पका लेंगे। सो रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब रेसिपी हमारी रेडी हो गई है, तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो एक प्लेट ले लिए हैं, और प्लेट में जो है हम आपको और हाँ, मैं सर्व ये तो करके बताना दिखा रहे हैं, भूल और ही गई, कितना अच्छा यहाँ पे मैंने रेसिपी ये थोड़ा बन सा ऊपर करके से चीज भी रेडी ऐड हुआ कर दिया, था जिससे एकदम कि रियल आप से ओरिजिनल जब तक पास्ता वाला इंजॉय नहीं करेंगे, जब तक मतलब ट्राई नहीं करेंगे तब तक मूड आप कमेंट क्रिएट भी हो नहीं जाए। कर सो पाएंगे। इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ मैंने पे ये चीज ऐसे ऐड ही कर चैनल दिया, हमारे और बने ये हुए प्रोसेस प्रोसेस चीज चीज है है, अमूल अमूल का का घी घी वाला वाला जो जो चीज चीज है है वो वो है है, साथ साथ में में बाय थोड़ा सा बाय। ऊपर से और टेक चिली केयर फ्लेक्स दोस्तों, और ऑर्गेनो। ऑर्गेनो।